कोरोना काल की बिकट घड़ी में यवतमाल जिलाधिकारी और वैद्यकीय डॉक्टर्स के बीच उपजे विवाद की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। बीते सोमवार से वैद्यकीय डॉक्टर्स के मैग्मो नामी संगठन ने जिलाधिकारी हटाओ मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी और संबंधित संगठन के बीच गहराते इस विवाद के चलते विभिन्न कोविड केयर केंद्रों पर स्वैब टेस्टिंग प्रक्रिया ठप हो चुकी थी। ऐसे में पालक मंत्री संजय राठौड़ ने हस्तक्षेप कर बारी बारी मैग्मो के पदाधिकारियों और जिलाधिकारी से सकारात्मक चर्चा की, जिसके बाद संगठन ने अपना जिलाधिकारी विरोधी रुख रोकते हुए आंदोलन को पीछे लिया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर एमडी ने भी बीती बात पर पर्दा डालते हुए सकारात्मक रवैया अपनाया है और डॉक्टरों को कोरोना काल के फ्रंट लाइन वॉरियर बताते हुए जिले के नागरिकों के लिए आगे से मिलजुल कर काम करने की बात दोहराई। बहरहाल शुक्रवार की पालक मंत्री की सकारात्मक पहल से उक्त विवाद खत्म हुआ और सूत्रों के अनुसार शनिवार से जिले के तहत आने वाले सभी कोविड केयर केंद्रों पर रैपिड एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट नियमित रूप से शुरू हुई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिग्रस कोविड केयर में रैपिड एंटीजन के तहत 12 और आरटीपीसीआर के तहत लगभग 18 स्वैब टेस्ट लिए गए हैं। आगे की जांच के लिए ये स्वैब यवतमाल रवाना किए जा रहे हैं।